ओके माय डियर स्टूडेंट, श्यामांकित सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए प्रीपोजिशन एट का यूज लेकर के आया हूँ। प्रीपोजिशन एट का मतलब पर होता है और आन का भी मतलब पर होता है। कहाँ पर आन लगाते हैं, कहाँ पर एट लगाते हैं, बड़ा ही कन्फ्यूजन टॉपिक है। इस वजह से आज मैं आपके सामने एट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। कहीं पर क्या होता है, एट का मीनिंग पर होता है और कहीं पर एड का मीनिंग से होता है। तो बड़े मजेदार वीडियो है, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखिए, जो प्रीपोजिशन एट है, इसका पहला यूज करने का इसका तरीका जो कहां पर निश्चित समय के लिए, फॉर सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए जहां पर या से की बात आती है वहां पर हम क्या एट का यूज करें। निश्चित समय क्या बोल सकते हो, छोटे से समय की बात कीजिए, बड़ा समय की बात नहीं कीजिए। निश्चित समय तरीकों कर सकते हैं जो छोटे समय की बात करेंगे। ओके, जैसे 9 बजे फिक्स समय, एक निश्चित है। 9 बजे, 10 बजे, ये हमारे क्या एक फिक्स समय है, निश्चित समय, बिल्कुल इधर के उधर नहीं है, छोटा समय में बात किया जाए। ओके, जैसे वह 2 बजे पैदा हुआ था, वह 2 बजे पैदा था तो फिक्स है, ना तो 2:01 ना तो 2:02, ऐसा कहीं कुछ बात ही नहीं है, वह 2 बजे पैदा हुआ था, राइट। अगर सेकंड देखते, वह यहाँ 10 बजे आएगा, 10 बजे ही आएगा, इधर तो नहीं आएगा था। तो निश्चित समय की जब भी बात करेगा तो वहां पर एट 10 o'clock बात करेंगे, एट 4 o'clock बात करेंगे, एट 3 o'clock की ऐसे बात करते हैं। ओके, तो वह 2 बजे पैदा हुआ था, इसको हम लोग बनाते हैं, वह 2 बजे पैदा हुआ था, इसको हम लोग बनाते हैं, ही, इसको बड़ी अच्छे से लिखते हैं, ही वाज बॉर्न, वह पैदा हुआ था कितने बजे, 2 बजे, इट मीन्स एट टू ओ क्लॉक, वह 2 बजे पैदा हुआ था, ही वाज बॉर्न एट 2 o'clock, इट्स सो सिंपल, अंडरस्टूड। वह यहाँ 10 बजे आएगा, वह यहाँ 10 बजे आएगा, इट मीन्स ही विल कम हियर, वह 10 बजे, ही विल कम हियर कितने बजे, 10 बजे, इट मीन्स एट टेन ओ क्लॉक। देखिए कितनी सिंपल है ना, मैं तुम्हें पाँच बजे पढ़ाऊंगा, इट मीन्स आई विल टीच यू एट 5 AM, अंडरस्टूड, बातें क्लियर हुई। तो इस तरीके से छोटे समय, निश्चित समय की बात करेगा तो वहां पर प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। बातें क्लियर हो गई होगी, तो हम लोग अगला कंसेप्ट चलते हैं। कहां पर, छोटी जगह पर, कोई जगह की बात करेगा और उस जगह पर की बात करेगा। जैसे मैं बोलूंगा मैं स्कूल पर हूं, याद रखिएगा पर का मतलब आन भी होता है और पर का में मतलब एट भी होगा, तो दोनों जगह में बड़ा कंफ्यूजन। आन जब भी बात करता है तो सरफेस की बात करता है, लेकिन एट जो सरफेस की ना बात करेगा, किसकी बात करेगा, जगह की बात करेगा, छोटी जगह की बात करेगा, कोई बहुत बड़ी जगह की बात नहीं करेगा, छोटी सी जगह। अब देखो, जैसे मैं बोलूंगा कि मैं कहां पर हूं, चौराहे पर, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप चौराहे पर होंगे, जो सबसे ऊंची मंजिल होगी उसके छत पर बैठे होंगे, ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप चौराहे पर है, सड़क पर होंगे, कहीं पर बैठे होंगे, किसी दुकान के सामने होंगे, कहीं पर भी होंगे, तो आप कॉल करके बोलेंगे यार कहां पर हो भाई, अर्थ में चौराहे पर हूं, अर्थात चौराहा एक छोटी सी जगह है और आप वहां पर हैं। ओके, तो इन दैट केस आई कैन यूज एट प्रीपोजिशन, अंडरस्टूड। तो हम लोग बनाते हैं, मैं चौराहे पर खड़ा हूं, तो सिंपली यहां पर लिखेंगे आई एम स्टैंडिंग कहां पर भाई, चौराहे पर, तो सिंपली बोल सकते एट चौराहा, एट चौराहा, मैं चौराहे पर खड़ा, इट मीन्स आई एम स्टैंडिंग एट चौराहा, छोटी सी जगह है चौराहा, ना कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, अंडरस्टूड। तुम मुझसे होटल पर मिलो, अब देखो तुम मुझसे होटल पर मिलो, एक कोई जरूरी नहीं कि होटल पर है तो मैं सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, सबसे ऊपर वाला मंजिल है, मैं उस मंजिल पर बैठा हूँ और मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ तुम मुझसे होटल पर मिलो, तब तुम चढ़ते चढ़ते जाओ वहाँ पर, अच्छा भाई मैं वहाँ, ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता, होटल में बैठे हो, होटल के सामने हो, कहीं पर भी हो, मतलब होटल के इर्द गिर्द हो या होटल में बैठे तो भी क्या कहोगे, तुमसे होटल पर मिलो, अर्थात होटल एक जगह का नाम दिया जा रहा है, तुमसे होटल पर मिलो, इट मीन्स यू मीट मी कहां पर मिलो भाई, यू मीट मी कहां पर, होटल पर, इट मीन्स एट
होटल, एट होटल, तुम उससे कहां पर मिलो, होटल पर मिलो, यू मीट मी एट होटल, देखिए छोटा सा प्लेस है, छोटी सी जगह है, वहां पर किसी जगह पर बात करेगा तो एट ही लगेगा, अंडरस्टूड। अब देखो मेरा भाई एक दुकान पर काम करता है, एक दुकान पर, एक दुकान है और उस पर काम करता है, एक दुकान जो है ना वहां एक जगह की बात कर रहा है, ठीक है, और दुकान का एक जगह के रूप में बोला जाए, इस कारण से एक दुकान पर, तो यहाँ पर क्या क्या लिखा जाएगा, एट ही लिखा जाएगा, इट मीन्स माई ब्रदर, क्या लिखेंगे, माई ब्रदर लिख सकते हैं या शॉर्टकट में माई ब्रो ही लिखते हैं, लेकिन माई ब्रदर वर्क्स, मेरा भाई काम करता है, माई ब्रदर वर्क्स कहाँ पर भाई, एक दुकान पर, इट मीन्स एट अ शॉप, माई ब्रदर वर्क्स एट अ शॉप, अंडरस्टूड, बातें क्लियर हुई। इस तरीके से बहुत सारी छोटी सी जगह पर भी बात होगी तो वहां पर क्या लगेंगे, एट ही लगे, घर पर, एट द होम, तुम उससे घर पर मिलो, इट मीन्स यू मीट मी एट द होम, तुम उससे घर पर मिलो क्योंकि घर एक छोटी सी जगह है, अंडरस्टूड, तुम उससे प्ले ग्राउंड पर मिलो, प्ले ग्राउंड पर, इट मीन्स एट द प्ले ग्राउंड, क्योंकि प्ले ग्राउंड एक छोटी सी जगह है, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं, अंडरस्टूड, बातें क्लियर हो रही हो तो लाइक जरूर करो, ओके। अब देखो हम लोग दो चीजें कंसेप्ट हो गए, दो तरीके से हमने देख लिया कि प्रीपोजिशन एड का यूज कहां पर किस तरीके से किया, पहला हमने देखा था निश्चित समय के लिए, सर्टेन टाइम, लेकिन वो समय छोटा हो कोई बहुत बड़ा समय नहीं हो, आफ्टर दैट किसी छोटी जगह के लिए, इट इज फॉर एनी स्मॉल प्लेस, वहां पर की यदि बात आती है तो वहां पर क्या यूज करते हैं, हम लोग एड का यूज करते हैं, ओके। तीसरा देखते हैं रात और दोपहर के लिए, रात और दोपहर के लिए, ओके okay? और देखो मैं दोपहर में वहां था, सिंपल इफिक्स है, रात और दोपहर के, रात मीन टू नाइट और दोपहर का मतलब क्या होता है, नून, अंडरस्टूड। तो मैं दोपहर में वहां था, आई वास देयर, आई वास देयर। अब देखो यहां पर यदि मैं लिखता हूं मैं दोपहर में वहां था, आई वास देयर इन नून, क्योंकि मे का तो इन होता है, That is the totally wrong. यदि मैं इन का यूज यहाँ पर करता हूँ तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि दोपहर एक छोटी सी समय की बात की जा रहा है, यहाँ से देखेंगे तो दोपहर एक थोड़ा सा निश्चित समय की इर्द गिर्द आ रहा है, इस कारण से यहाँ पर प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाएगा, ओके। तो मैं दोपहर में वहां था, आई वॉज देयर एट नून, आई वॉज देयर एट नून, अंडरस्टूड। हम इसे रात में पढ़ते हैं, हम इसे रात में पढ़ते हैं, इट मीन्स वी स्टडी भी लिख सकते हैं, रीड भी लिख सकते हैं, वी स्टडी इट, हम इसे पढ़ते हैं, कब है पढ़ते हैं, रात में, इट मीन्स वी स्टडी इट एट नाइट, ना कि इन नाइट लिखेंगे, यदि इन नाइट लिखेंगे तो दैट इज द रॉन्ग हो जाएगा भाई, वी स्टडी इट, हम इसे पढ़ते कब पढ़ते, एट नाइट, रात को पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, मे का इन मत यूज करिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, ओके। वह तुमसे दोपहर में मिलेगा, इट मीन्स वह तुमसे मिलेगा, इट मीन्स ही विल मीट टू यू, वह तुमसे मिलेगा कहां पर भाई, दोपहर में एट नून, ही विल मीट टू यू, ही विल मीट टू यू एट नून, वह तुमसे दोपहर में मिलेगा, अंडरस्टूड, बातें क्लियर हो रही ना, देखिए कितनी आसान है, बस दोपहर और रात दो ही चीज तो देखना है, समय में देखेंगे, दिन में देखेंगे तो क्या होगा, दिन में रात और दोपहर, इट मीन्स एट नाइट एंड एट नून की बात किया जाएगा, अंडरस्टूड, बातें क्लियर हो रही है ना। देखो बड़ा मजा आ रहा, शानदार और समझ आ रहा था वीडियो में, बड़ा मजा भी आ रहा ना, बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, खुशी महसूस हो रही होगी। अब देखते चौथा जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मूल्य बताने में यूज किया जाता है, किसका, एट का, मूल्य बताने में, कैसे मूल्य बताया जाता है भाई, 10 रुपये किलो है, 5 रुपये पर पिन है, इस प्रकार से बोलते हैं, तो वहां पर किसी मार्केट में जाते हैं 15 रुपये पाव, ऐसे बोलते हैं, कुछ भी इस प्रकार से अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज आपको मार्केट का पता होगा यदि आप मार्केट जाते होंगे तो, ओके। अब देखो कैसे, वह 10 रुपया पर दर्जन केला बेच रहा है, क्या बेच रहा है, 10 रुपया पर दर्जन, ओके। तो वह 10 रुपया पर दर्जन, ये क्या बता रहा है, केले के दाम बता रहा है, क्या भाई केले का क्या रेट है, मूल्य बता रहा है 10 रुपया पर डोजन, अंडरस्टूड। तो कैसे बनाऊंगा, वह 10 रुपया पर दर्जन केला बेच रहा है, इट मीन्स ही इज सेलिंग, वह बेच रहा है, ही इज सेलिंग द बनाना, ही इज सेलिंग द बनाना, ही इज सेलिंग द बनाना 10 रुपया पर दर्जन, इट मीन्स एट 10 रुपी पर डोजन, 10 रुपी पर डोजन, ओके। He is selling, वो बेच रहा था बनाना, he is selling the banana at 10 rupee per dozen, understood? 10 rupee per को ऐसे लिखा जाता है, बातें क्लियर हो रही ना?
He is selling the banana at 10 rupee per dozen. Okay, understood? Next, देखते हैं. मैंने 20 रुपये पर केजी प्याज खरीदा. It means I bought the onion. I bought onion. मैंने प्याज खरीदा at 20 रुपी पर केजी. किसके हिसाब से खरीदा भाई? I bought onion 20 रुपी पर केजी. It means आज 20 रुपी पर केजी. मैंने 20 रुपये किलो का प्याज खरीदा. ओके, अगला देखते हैं. उसने मुझे 100 रुपया पर केजी सेब दिया था. कितना रुपया किलो दिए? बड़ा महंगा सेब दे दिया यार. उसने मुझे 100 रुपया केजी सेब दिया था. इट मीन्स ही हैड गिवेन मी एप्पल. उसने मुझे दिया था. क्या दिया था? एप्पल दिया था. हेड गिवेन मी एप्पल. उसने मुझे सेव दिया था. क्या दिया था? किस हिसाब से भाई? 100 रुपी पर केजी के हिसाब से. इट मीन्स एट 100 रुपी पर केजी के हिसाब से दिया था. किसके हिसाब से? क्या रेट है उसका? तो जितना भी रहेगा 20 रुपी पर केजी. इट मीन्स एट 20 रुपी पर केजी. 20 रुपी दर्जन है, तो एट 20 रुपी पर डोजन. सैकड़ा भी बोल सकते हैं. एट 20 रुपी पर 100. ऐसे अलग अलग बातें आती. क्विंटल हो सकता है, टन हो सकता है, जो कुछ भी होता है उसका रेट हम लोग एट लिख करके एक्सप्रेस करते हैं. क्योंकि आता है वह 10 रुपये किलो पर 10 रुपये पर डोजन पर. इस प्रकार से बातें आती है, तो वहां पर जो पर का यूज होगा आन नहीं करेंगे. क्या लिखते हैं? एट ही यूज करेंगे. बातें क्लियर हो रही ना? देखो बड़ी आसान है प्रीपोजिशन एट को समझना. थोड़ा सा बस धैर्य बना के रखना. वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन चीजें बहुत आसानी से क्लियर होती चली जा रही है. ओके, अब देखिए हम लोगों ने चार कंसेप्ट देख लिया कि प्रीपोजिशन एट का यूज कहाँ पर होता है. अब हम लोग अगला यूज जो देखेंगे, किसी त्योहार या खास अवस्था में. किसी त्योहार क्या? होली हो गया, दिवाली हो गया, फिर से रक्षाबंधन है. अलग अलग फेस्टिवल, वैसे अलग अलग लोगों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अलग अलग लोगों के अलग अलग फेस्टिवल होते हैं. वैसे आप लोग अपना अपना फेस्टिवल आपको पता होगा, या आपके लिए कोई खास दिन होगा, जैसे आपका बर्थडे हो सकता है, आपका कोई सालगिरह हो सकता है. ये हमारे सब खास दिन है, बहुत ही अच्छे दिन है. कोई खास फेस्टिवल वाली बात आती है तो वहां पर भी प्रीपोजिशन एड का यूज किया जाता है. ओके, जैसे मैं देखूंगा, मैं होली में घर पर आऊंगा. अब देखो होली यहाँ पर क्या फेस्टिवल है. अब देखो यहाँ पर यदि मैं होली में देखता हूँ, तो मैं का तो इन लिखूंगा. नहीं, होली एक अच्छा सा फेस्टिवल है और हिंदू का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. ओके, है इस कारण से यहाँ पर मैं का इन नहीं लिखेंगे. इन बिल्कुल मत लिखेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएंगे. ओके, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? होली में. इट मीन्स एट होली लिखा जाएगा. तो यहाँ पर कुछ दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कोई अच्छा सा, कोई खास त्योहार आपका यदि आ रहा हो वहां पर बात आती है, तो एट और जो भी खास होगा उसको लगा करके लिखा जाएगा. जैसे मैं बनाता हूँ, मैं होली में घर पर आऊंगा. इट मीन्स आई विल कम होम. मैं घर आऊंगा. आई विल कम होम. कब भाई? होली में. इट मीन्स एट होली. आई विल कम होम एट होली. मैं होली पर, सही से देखूंगा तो मैं होली पर घर आऊंगा. इस प्रकार से बातें होगी. आई विल कम होम एट होली. ओके, वह तुमसे दिवाली में मिलेगा. या ऐसे बोल सकते हैं, वह तुमसे दिवाली पर मिलेगा. देखिए दिवाली पर ये सही तरीके से आया. वह तुमसे दिवाली पर मिलेगा यार, सिंपल सी बात है. तो वह तुमसे दिवाली पर मिलेगा. इट मीन्स ही विल मीट टू यू एट दिवाली. It means he will meet you at Diwali. वह तुमसे दिवाली पर मिलेगा. देखो कितनी आसान है, चीजें आसानी से क्लियर होती जा रही हैं. हम तुम्हारे जन्मदिन पर पार्टी मनाएंगे. इट मीन्स हम सब हो सकते हैं. इट मीन्स वी शैल यहाँ पर लिख सकते हैं, या विल भी लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं होंगे. वी शैल सेलिब्रेट. हम मनाएंगे एक पार्टी. वी शैल सेलिब्रेट अ पार्टी तुम्हारे जन्मदिन पर एट योर बर्थडे. ओके, तो वी शैल सेलिब्रेट अ पार्टी एट योर बर्थडे. जे देखिए कितनी आसानी से क्लियर हो गई. हमने देखा एट जो प्रीपोजिशन, इसको
फाइव कॉन्सेप्ट से, पांच तरीके से मैंने बताया कि कहां कहां पर प्रीपोजिशन एट का यूज होगा। एट का कोई जरूरी नहीं कि मैनेजर पर ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पर हो रहा है, कहीं कहीं पर मे भी आ रहा है, कुछ अलग अलग तरीके से आ रहे, लेकिन हम लोगों का एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि किस जगह पर एट आएगा, किस जगह पर आन आएगा, किस जगह पर क्या चीज आती है। धीरे धीरे प्रीपोजिशन के लिए हम समझते चलेंगे तो बड़ी आसानी से हम लोग प्रीपोजिशन को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, और किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम में यदि प्रीपोजिशन संबंधी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोगों से वंचित नहीं रह सकते। चीजें बहुत आसानी से क्लियर होती जा रही है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो जरूर बनता है, या आफ्टर दैट सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यार मैं आपके साथ दिल और जान से लगा हूँ, तो आप ही मेरे साथ दिल और जान से थोड़ा सा लग जाइए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप मेरे साथ जुड़ जाइए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ डालिए, तभी तो मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा।